लखा ही मुसीबतां सिरां ते चलियां, ना चार कोठी विच पईयां छलियां, कदी सोका कदी मार जांदा पानी ए, ए पंजाब दे किसान दी कहानी ए। आसमान की खुली छत हेठ फसल बीज के देश का ढिड भरन वाले पंजाब के किसानों नू कदी सोके का डर ते कदी सतलुज दे दरिया रूपी पानी का डर। जदों तक किसान की फसल सही सलामत पल्ले नहीं पैंदी, किसान हर वक्त उस परमात्मा अगे हाथ ही जोड़ी रखता है। किसान नू देश का अन्नदाता कहा जाता है। 1960 के दहाके च भुखमरी के माड़े दौर अंदर सरकार ने पंजाब नू हरी क्रांति लई वरत्या ते पंजाब ने देश लई अन्न दे भंडार भर के रख दिते। पर 1991 की सरकार की आर्थिक नीति तो बाद किसानी खेतर चो जिमें ही सरकार ने अपने पैर पिछे नू खिचे कि अज उसे पंजाब के किसानों नू खुदकुशियां कर लई मजबूर कर दिता। आज किसानां ते थोपे तीन काले कानूनां खिलाफ सरकार खिलाफ बीते 9 महीनों तो दिल्ली दियां बरूहां ते किसानां वलों केंद्र खिलाफ छेड़ी जंग अजे खत्म नहीं हुई कि पंजाब दे कुछ होरना थावां दे नाल नाल जिला रूपनगर दे किसानां नूं एक नवीं होर मुसीबत ने घेर लिया। वह है दोस्तों मक्की दी फसल ते एक तेज तरार सूंडी वलों कीता हमला। इस सूंडी ने किसानां दी फसल दे किल्लियां दे किल्ले बर्बाद करके रख दिते। पर हैरानगी दी हद उदो हो गई जदों किसानां लई कागजां च बड़े बड़े लाभ ते सहूलतां देण वाला पंजाब दा खेतीबाड़ी विभाग भी किसानां लई इस परेशानी तो अनजाण दिखाई दिता है ते उल्टा किसानां नूं ही सवाल जवाब करदा विखाई दिता। पर इस सुंडी ने मक्की दी नहीं सगों आर्थिक पक्षों किसानां दी बर्बादी करके रख दित्ती। इस सुंडी ने मक्की दी फसल ते अपना हमला इस कदर कर दिता कि तीन तीन चार चार पांच पांच बार कीतियां स्प्रेहां भी इस सुंडी नूं मार नहीं सकियां। परेशानी दे आलम चों डुब्बे इन्हां किसानां दी खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों ते कर्मचारियों समेत पंजाब सरकार तो अलावा किसी भी सियासी पार्टी ने सार तक नहीं लई। पर जेकर अगे आया तो वह है जिला रूपनगर का किरती किसान मोर्चा, जिस दे आगुआ ने संघर्ष का बिगल बजाया। किसानां नाल पिंडां च नुक्कड़ मीटिंगां कीतियां। डिप्टी कमिश्नर रूपनगर नूं एक बार नहीं सगों दो बार मंग पत्र देण तो बाद भी प्रशासन दे कन्न तों जू नहीं सरकी। पर प्रशासन दी नींद उस वक्त खुली जदों किरती किसान मोर्चा दे आगुआ ने किसानां नूं लामबद्ध करके बीती 25 अगस्त नूं डिप्टी कमिश्नर रूपनगर दा घराओ करन दा ऐलान कर दिता ते आखिरकार जिले दा प्रशासन फिर हरकत च आया ते खेतीबाड़ी विभाग ने खराब हुई फसल दा सर्वे करना शुरू कर दिता। सच पंजाब दा टीवी तुहानू ए पिंड सरथली दीआं तस्वीरां दिखा रिहा जिथे खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी कर्मचारी सर्वे कर रहे ने ते जिथे इस सुंडी ने लगभग मक्की दी सारी फसल दी बर्बादी करके रख दित्ती ते किसान डाढे परेशान दिखाई दित्ते। देखो ये तस्वीरां। नुकसान है एक तो ज़्यादा एक मिल रहा सानू। असीं तां इहना अपना खेतीबाड़ी विभाग अगे यही मंग रखते हैं भी साढ़े जिहड़े किसान वीरां नूं है वह बनते मुआवजे की मंग रखी जावे। असी जब तक इन्हें तसल्ली ना हो जाती पिंड सरथली के उदों तक असं दूजे पिंड नहीं जान देवे। असी कली कली छली का जोड़ा निरीक्षण करके तो वह गल असी देखो खेतीबाड़ी विभाग के अफसर भी साढ़े नाल कले कले टंडे कोल जाके दिखाओ देखो ये हालात है अज छली दे सुंडी दे नाल
मक्की छली का नुकसान कर रही है, गुले कर रही है, ठीक है। जो खेती मक्की टंडा बिलकुल ही खा चुकी है, लेकिन जेडे टंडे हैवी है, खड़े है, वधिया लगे दे, पर उन्होंने विच सुंडी हर टंडा सुंडी प्रभावित है। असी कोई जान बुझ के प्रशासन के कोई धक्का नहीं कर रहे। साड़ी जिहड़ी मंग है मुआवजे की, असी वह मंगने वास्ते इन्हां लोकां नूं देखो साड़ी सरथली पिंड कहती गुहां की मक्की के नाल जानदे भी खेत हरिया भरिया लगता, लगन के बावजूद भी हर टंडा ये सुंडी के नाल प्रभावित है। असी खेतीबाड़ी विभाग नूं आप दस्या ही नहीं, आप देखिया सुंडियां नूं किदां जिहड़ियां अपना छली दे नाल लगियां है। जदों ये मक्की कामयाब नहीं हुई है खेती तो पछेतियां का क्या हाल होना, तुसीं सामना देख लो। मौसम अपर ते चेंज हो गया, बारिशां बंद हो गई, सारियां दिखा लो, असीं सारियां दिखावांगे। असीं खेत इस किसान वीर दे नाल कौन खाण नूं तैयार है, कोई लीडर होवे चाहे किसी भी पार्टी का होवे, साडे नाल किसानां दे नाल किसे नाल भी हां दी नारी नहीं मारिया। इस वीर दा जिहड़ा इह खेत है, तुसीं इस वीर नूं पुछो इहदे घर दे हालात किन्ने माड़े है, भी जे फसल मर गई तां जिहड़ी आने वाला टाइम है ओह किन्ना ज्यादा इहदा माड़ा होऊंगा। असीं तुसीं आप पुछ लो इस वीर ते खर्चा आया खेती बाड़ी विभाग के बड़े अफसर मक्की चेक करते हुए पिंड सरथली के किसान की भी कैमरा करो माड़े जा। साढ़े ए डी साहब साढ़े खेतीबाड़ी विभाग के अफसर आए हैं, असं इन्हों दिखाते हैं भी ये साड़ी जी अगेती मक्की का मसला है, ये नहीं हो रौला पै रहा दो तीन दिनों तो थोड़िया मक्कियां पसेतियां थोड़िया अगेतियां, असं दोनों फसलों दिखाने तैयार हैं। दिखाओ जी सुंडी गिर गई जी, कोई गल नहीं, कोलो प्रशासन ने देख लिया सानू तो उन्ने बसेरा देखो हैगी है, पर होर दिखा लो हैगी जी सुंडी, बिल्कुल 100% सुंडी है जी। हां जी हां जी ये चकड़े है सुंडी है बिल्कुल, प्रशासन अच्छा सारियां छलियां ना पट्टो ना इदा, कोई नहीं कोई नहीं, असी तो पाण नु तैयार है, गल ए ना करो तुसी जेड़ी इशू लगी उनू करियो, जेड़ा बंदा इस चीज नाल पपड़ो तेनो रजीत वीर। हां जी हां जी चलो चलो हर चीज दिखाओ भी है, मक्की साडे पिंड सरथली दी इक लगी हुई मक्की है जी, ये देखो जी इधर पिछे दिखाओ जी मरे जा बंदे का शुभ नाम इन्हना प्रशासन दिखा रहे भी साडा किसानां दा किन्ना बुरा हाल है, अगेती मक्की दे नाल बीजण दे बावजूद भी सारे रहण तो किन्ने दो दिन प्रशासन नूं टंडे कानूं भन्ने आ टंडे ना भन्नो यार टंडे ना भन्नो दो दिन हो गया प्रशासन नूं इह सरदार प्यारा सिंह सानू सरदार गुलवंत सिंह उहनां दे खेत दे विच खड़े आ, इह 2.5 किले दा रकबा हैगा। इस खेत दे विच सुंडी ने सारे खेत ते पूरा हमला कीता होया, जे 10 टंडे बचे भी है तां आने वाले 4 दिनां दे विच उह 10 टंडियां ते भी हमला हो जाणा, इस खेत का पूरा नुकसान हो रहा ना। हैरानगी की गल ये हो रही है कि 3 स्प्रेयां इन्होंने कर चुकी हैं, लेकिन 3 स्प्रेयां करने के बावजूद भी कीड़ा नहीं मरिया। सो मैं एक थोड़ी जानकारी देना चाहता भी जितों तक सैंपलिंग की गल हैगी है,
सैंपलिंग की है, जाली दवाई नहीं निकली है, सैंपल पास हुए है। अगली गल जी हैगी है, एक मैं थोड़ी जी थोड़ी भी जानकारी लेना चाहता भी जी साइपर मैथरीन की असी स्प्रे की है स्टार्टिंग दे विच, वो एक कारण बन गया कीड़े का भी, यानी कि वह अभी बार बार स्प्रे करन नाल भी वो कीड़ा कंट्रोल नहीं कर रहा। सानू साडे किसान भरावां नाल गल हुई है, ये 10 दिन की गल कर रहे हैं, असी इन्होंने 7 दिन कहा है कि असी 7 दिन के जो भी इन्हों का नुकसान है असी प्रशासन तक पहुँचावे। गल ये नहीं है भी कल असी एक कल नहीं, असी खुद नाल जावे, इन्हें कोई यह जी गल नहीं हैगी, बिल्कुल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के इन्हों के नाल चलेंगे, इन्हों कोई अलंबे वाली गल नहीं हैगी है। जो भी इन्हें समस्या है साडा फर्ज है असी प्रशासन तक पहुँचाइए और पहुँचाई जाएगी। तुम एक गल मानते जी कि साडे किसानों का नुकसान होया है 100%? मैं इस टाइम सरथली पिंड खड़ा, इस पिंड जितों तक मैं गया इस टाइम 4 खेत विजिट किए हैं, 4 खेत 90% तो उत्ते फसल का नुकसान है। अगले खेत जा रहे हैं, खेतीबाड़ी विभाग की टीम का तह दिलो धन्यवाद करते हैं भी इन्हें मौके का जोड़ा देखिया, मौके की जी समा देखिया, उन्होंने इन्हें मनिया प्रवान किया भी जोड़े 2-2.5 किले का जो नुकसान है यह 90% का नुकसान है। असं इन्हों का धन्यवाद करते हैं भी ये लोगों के नाल खड़े होने तैयार आ, इन्होंने असी 10 दिन का टाइम दिता था, इन्हें हूँ कहा भी असं 7 दिन के कार्रवाई करके प्रशासन के जिम्मे असी लावांगे।